गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। टुडे वील बी सॉल्विंग वन प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच केम इन नवंबर 2023। इफ यू सी आवर आईएआई पास्ट year paper solving classes, I had already discussed the concept of financial statements of insurance companies, wherein I have taught you how insurance company calculates its profit, right? So we will continue with that discussion and try to solve the problem which came in November 2023. If you see this problem, there is nothing new in this, right? Whatever discussion we have done in our classroom, and we did an elaborative discussion when we solved IAI past year paper. तो मेरे को कुछ बच्चों ने बोला कि सर, हम लोग ने इस टाइप का प्रॉब्लम क्लास में नहीं किया है, ये गलत है। अगर आप देखेंगे, हाँ, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा, फुल फ्लेजेड नहीं किया है, बट इफ यू सी we had learned how insurance company calculate their profit. The concept of profit calculation of insurance company has already been discussed while solving IAI past year paper, as well as for IFOA students also we have done it when we have done accounting for insurance companies, right? So there are some entries were taken from the books of HH Insurance Company Limited, which is in health insurance business. Fine. So basically, this is trial balance, right? This is trial balance, right? And just a recap. What is my what does an insurance company do? Insurance company क्या करती है? Insurance company risk undertake करती है कि चलो आपके health का या आपके इस goods का, आपके इस asset का मैं insurance करता हूं। What does the word insurance mean? Putting the person to the same position as he was before such loss or damage. तो मैंने आपको insurance company का पूरा model भी बताया है कि how insurance company actually works. Basically वो कई लोगों से premium collect करती है, एंड ऑन प्रोबेबिलिटी बेसिस उसको पैसे कुछ लोगों को ही चुकाना पड़ता है, तो क्लेम्स पेमेंट करने के बाद उसको नेट में बच जाता है। सपोज करिए मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया, प्रीमियम कलेक्टेड, राइट? अभी मैंने 50 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है, 50 करोड़। तो अगर प्रीमियम 50 करोड़ की है तो बट ऑब्वियसली सम एश्योर्ड बहुत ज्यादा होगा, पॉलिसी अमाउंट 500 करोड़। मैंने एक बहुत बड़े जहाज का, हवाई जहाज, एरोप्लेन का मैंने इंश्योरेंस किया है, या मैंने किसी बहुत बड़े शिप का इंश्योरेंस किया है, मरीन इंश्योरेंस, व्हाटएवर। So, पूरा रिस्क मैंने अंडरटेक किया है। कल को अगर ये शिप, कार्गो शिप, राइट, डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट, सो आई हैव टू पे द एंटायर 500 करोड़ टू द इंश्योर्ड पर्सन। सो मैं क्या करता हूं, सम पार्ट मैं
सीडेड टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी, सपोज करो 40%। तो जब मैंने अपना बिजनेस रिस्क सीड किया, सो एज अ रिजल्ट 20 crores प्रीमियम पेड ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। तो ये बिजनेस मेरे को डायरेक्ट बिजनेस मिला था एंड इसमें मैंने कुछ पार्ट सीड कर दिया। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, माय नेट प्रीमियम इनकम इज 50 करोड़ माइनस 20 करोड़। सर जैसे आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को सीड करे, कोई आपको भी सीड कर सकता है। तो इसको अपने बोलते हैं रीइंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। सो जो भी मैंने रीइंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट किया है उस पे करीबन 15 करोड़ का मेरे को प्रीमियम रिसीव हुआ है। मैं अगर रिस्क अंडरटेक करूंगा तो मेरे को प्रीमियम मिलेगा। तो डायरेक्ट बिजनेस में मिलता है, सीडेड में मैं देता हूं, एक्सेप्टेड पे मुझे मिलेगा। सो व्हाट इज माय नेट प्रीमियम दैट इज डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड माइनस सीडेड, दैट इज 50 करोड़ 15 करोड़ माइनस 20 करोड़, सो दैट इज 45 करोड़। सो दिस इज नेट प्रीमियम कलेक्टेड, नेट प्रीमियम कलेक्शन। उसी प्रकार से जहां मैंने सीड किया वहां मेरे को क्लेम मिलेगा और इन दोनों केसेस में मेरे को क्लेम्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्लेम्स पेड माइनस क्लेम्स रिसीव्ड। मैंने 500 करोड़ का इंश्योरेंस में 40% सीड कर दिया, तो कल को नुकसान होगा तो 40% इससे लूंगा, बाकी 60% अपने पॉकेट से भर के पूरा पैसा दूंगा, राइट। सो मुझे मालूम है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस, डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड सीडेड प्रीमियम दिस इज कलेक्टेड दिस इज पेड। सो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज नेट क्लेम्स। यहां पेड, इधर भी पेड, इधर रिसीव्ड, सो हमारा नेट आ जाएगा। सेम गोज विथ कमीशन एज वेल, कमीशन पेड पेड रिसीव्ड नेट। इसको करने के बाद मैंने ये सब आपको बता दिया है। इसको करने के बाद मैंने आपको बताया था रेवेन्यू अकाउंट बनेगा। इस रेवेन्यू अकाउंट में नेट प्रीमियम से अपन लेस करेंगे क्लेम्स, नेट प्रीमियम से क्लेम्स लेस होगा कमीशन,
लेस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अपने बनाएंगे पीएल, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरू होगा, प्लस करेंगे अदर इनकम माइनस अदर एक्सपेंसेस, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर एप्रोप्रिएशन, ब्ला 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 ब्ला। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। राइट नाउ अब अपने को ये बैलेंसेस दिया हुआ है, राइट? सो आई नो व्हाट नीड्स टू बी डन। व्हाट इज दिस रिस्क रिजर्व? मैंने आपको बताया था जितना भी जनरल इंश्योरेंस होता है ना वो सब ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सपोज करिए अगर मैं जुलाई में इंश्योरेंस लेता हूं तो ये वाला इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर जुलाई तक जाएगा, हालांकि दिसंबर इज माय ईयर एंड। सो दिस पोर्शन इज व्हाट एक्सपायर्ड पीरियड, रिमेनिंग इज अनएक्सपायर्ड। सो व्हाट एवर प्रीमियम यू आर कलेक्टिंग सम पोर्शन विल बी अनएक्सपायर्ड बिकॉज इट विल ऑल्सो कवर नेक्स्ट ईयर का फ्यू मंथ्स। इफ आई टेक द पॉलिसी, इफ ऑल द कस्टमर्स आर टेकिंग पॉलिसी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, से फॉर जनवरी, बट क्या पॉलिसी खाली जनवरी में बिकती है? नहीं, पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर बिकती है। तो इसीलिए जितना भी प्रीमियम आप कलेक्ट करते हैं दैट डज नॉट पर्टेन ओनली टू करंट ईयर। ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है, क्योंकि प्रीमियम हम एडवांस में कलेक्ट कर रहे हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपको प्रीमियम एडवांस में देना पड़ता है, तब जाके आपको पूरा साल का कवरेज मिलेगा। तो अगर कस्टमर ने जनवरी में पॉलिसी लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, दिसंबर तक का कवरेज है, तो पूरा प्रीमियम आपको इस साल का इनकम माना जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर भी आप पॉलिसी बेच रहे हैं, सो व्हाट एवर पॉलिसीज यू हैव सोल्ड दैट विल कवर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। सो दिस पोर्शन इज एक्सपायर्ड पोर्शन, इसी पोर्शन का इंश्योरेंस इज इनकम। बाकी का जो है वो अनएक्सपायर्ड है। सो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू, व्हाट एवर इज योर नेट प्रीमियम, इसके साथ आप अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व उसको आप लेस करेंगे। अनएक्सपायर्ड मींस क्लोजिंग वाला,
क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व आप लेस करेंगे, तो ये सेम चीज मैंने लास्ट ईयर भी किया होगा। लास्ट ईयर यह अनएक्सपायर्ड था बट करेंट ईयर में दैट पीरियड हैज कम नाउ सो दैट विल बिकम एक्सपायर्ड। इट मींस ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व एड होगा, तब जाके ये जो फिगर आएगा इसको अपन बोलेंगे प्रीमियम अर्न्ड। ये सब डिस्कशन हमने कर रखा है अपने क्लास में। सर आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है ये इस साल का नहीं है, ये आज से 12 महीने का है, तो सम पोर्शन इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो नेट प्रीमियम में से उसको हटा दिया। ये सेम चीज हमने पिछले साल भी की होगी, कंसिस्टेंसी सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, तो वो ओपनिंग अनएक्सपायर्ड इस साल का इनकम है तो उसको ऐड करेंगे। दिस इज माय नेट प्रीमियम अर्न्ड। राइट, सो नाउ तो ये देखिए आपका लास्ट ईयर का है ये, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला है मार्च 23 का रेवेन्यू पीएल बैलेंस शीट, और ये मार्च 22 का है, सो दिस इज ओपनिंग यूआरआर, तो ये होगा एड विथ प्रीमियम। ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ठीक है, दिस इज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जनरल रिजर्व, दिस इज बैलेंस शीट एसेट इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज रेवेन्यू अकाउंट प्रीमियम इनकम, दिस इज रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंस क्लेम्स पेड, दिस इज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, दिस इज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड, तो ये पेड है एंड यहां कुछ नहीं बोला, मतलब दिस इज कलेक्टेड, तो करना क्या है, ये वाले प्रीमियम से इसको माइनस करना है, इस वाले से इसको लेस करना है, हाँ ना, तब जाके मेरा नेट प्रीमियम आएगा। सीडेड पे कभी भी प्रीमियम मिलता नहीं है, मैं देता हूं, देखिए राइट, ओके, क्लेम्स रिकवर्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस, इसका मतलब सीडेड में मेरे को मिला है,
तो ये पेड वाले से इसको लेस कर दूंगा तो नेट क्लेम्स पेड आ जाएगा। तो ये मेरा नेट प्रीमियम कलेक्टेड आएगा और ये मेरा नेट ये रिसीव्ड है ना, क्लेम्स रिसीव्ड, रिकवर्ड मतलब रिसीव्ड। इज इट फाइन एवरीवन? कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, ये मिलता है कमीशन। डायरेक्ट बिजनेस में पेड, एक्सेप्टेड में भी पेड, पेड पेड प्लस माइनस रिसीव, तो नेट कमीशन आ जाएगा, नेट प्रीमियम आ गया, नेट क्लेम्स आ गया। राइट, डायरेक्ट बिजनेस में मैंने प्रीमियम रिसीव किया तो मैं कमीशन दूंगा, एक्सेप्टेड में भी मैंने प्रीमियम रिसीव किया तो कमीशन दूंगा, सीडेड पे प्रीमियम दिया है तो कमीशन मिलेगा। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, बेसिकली ये प्रीमियम से प्लस होना चाहिए बट क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, देखो, सो दिस इज ऑलरेडी adjusted with premium, this is already adjusted with premium, तो ये हमारे लिए asset होगा, this is asset, बैलेंस शीट एसेट है ना, प्रीमियम मिला नहीं है, मिलेगा। पहला बात तो ये इस साल का इनकम है और मिला नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड। ये मैंने जब आपको चैप्टर 12 सिखाया था कंपनी अकाउंट्स, उसमें मैंने ये सब चीज बताया है, एडजस्टमेंट्स अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी एडजस्टेड है, सीधा ये बैलेंस शीट में जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो नेट प्रीमियम माइनस नेट क्लेम माइनस नेट कमीशन, प्रीमियम माइनस क्लेम माइनस कमीशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर हेल्थ बिजनेस। ऑडिट फीस, ये सारा, ये अदर एक्सपेंसेस है, ये पीएल में आएगा। ये अदर इनकम है, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है ये भी पीएल में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट एसेट, खेम खत्म, कुछ ही नहीं है इसमें। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
मैनेजमेंट वाला जो एक्सपेंस है ना, इसमें ये इंक्लूडेड है और ये वाला इंक्लूडेड है। ये दोनों ही खर्चा क्लेम्स पेड में आएगा। क्लेम्स पेड में क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड माइनस क्लेम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, नेट क्लेम आया। उसके बाद क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस, सर्वेयर फीस, लीगल फीस, ये सब क्लेम्स पेड में आएगा क्योंकि उससे रिलेटेड है ये। तो अपन को कुछ नहीं करना, एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट को इसको डिक्रीज करके क्लेम्स पेड को इंक्रीज कर देना है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इतना ही है। ये इसमें घुसा हुआ है 475142 में 39600 हटाना है, 22000 हटाना है, मतलब कुल मिला के अगर टोटल देखेंगे, टोटल क्लेम्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ₹61600 यहां से हटाना है और उसको क्लेम्स पेड में ऐड कर देना है। हालांकि खर्चा खर्चा ही है, ओवरऑल प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्लेम्स इनिशिएटेड बट नॉट पेड, ये आउटस्टैंडिंग क्लेम्स है। इसका दो इफेक्ट होगा, एड विथ नेट क्लेम एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम्स है, सामने वाला क्लेम कर चुका, मैंने पेमेंट नहीं किया अभी तक, देना है। इसको इसको और इसको भूल जाऊं, ये तीन को भूल जाइए, ये नॉर्मल है। एडिशनल क्लोजिंग यूआरआर 40% ऑफ नेट प्रीमियम, जो इस साल का नेट प्रीमियम आएगा उसका 40%। तो क्या होगा ये क्लोजिंग यूआरआर का? नंबर वन सबट्रैक्ट फ्रॉम नेट प्रीमियम एंड नंबर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी।
आउटस्टैंडिंग क्लेम होगा नेट क्लेम में ऐड बैलेंस शीट लाइबिलिटी, पैसे नहीं दिए, और ये वाला इनकम एडवांस में मिल गया है अगले साल को रिलेट करता है तो भी ये लाइबिलिटी दिखाएंगे। जिनको मैंने क्रॉस किया है बहुत सिंपल है, पीबीटी से इनकम टैक्स प्रोविजन लेस होगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आने के बाद ये वाला ओपनिंग पीएल ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस दिस। उसके बाद डिविडेंड 36% ऑफ शेयर कैपिटल लेस होगा, जितना डिविडेंड है उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि प्रैक्टिकली आज के दिन पे अबॉलिश हो चुका है, बट आपका आईएआई दे रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। थर्टी सिक्स परसेंट शेयर कैपिटल का डिविडेंड, उसका 12% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों प्रॉफिट से लेस होगा और बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ये जर्नलिज्म वाला भी लेस होगा, जर्नलिज्म में ऐड हो जाएगा। तो ये अपने नॉर्मल जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें वी हैव डील्ट इन विद दिस। इज इट ओके? तो मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है राइट, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सामने हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन रेफर करिए एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर पिक्चर। ठीक है, फिर भी अगर डाउट्स होगा तो मैं इसको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।